आप देख रहे हैं खबर एनडी टीवी, रिश्ता हर खबर से। मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, जिसने ओजोन लगवाया अपने स्वार्थ के लिए, क्या वो ओजोन को खुलवाएगा? एक तरफ आप कहते हो एनजीटी से हट गया स्टे, तो फिर आपने कार्रवाई क्या करी सरकार आपकी? आप जो अभी क्षेत्र की जनता को 5 नवंबर को आपने जो लड्डू और ढोल बजवा दिए कि ओजोन से हम बाहर निकल गए, वो क्या धोखा था आपका? कुछ भी हो जाए, हम ओजोन को ख़त्म करा के दम लेंगे। और राम सिंह जो कहता वो करके दिखाता, पहले ओजोन मैंने हटवाया। और मैं क्षेत्र के भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, इस बार भी राम सिंह 3 महीने के अंदर इस ओजोन को हटवाने का काम करेगा, या मुझे वहाँ जेल जाना पड़े या लड़ना पड़े, मैं DDO ऑफिस से तब आऊँगा, तब इस ओजोन को ख़त्म करवा कर आऊँगा। तो भाई बहनों, बुजुर्गों को और RW के प्रधानों को, सबको, ये जो 15 तारीख को महापंचायत होने जा रही है ओजोन के बारे में, जो लवकुश रोड पर हरिनगर अंशुमान पैलेस में ये कार्यक्रम रखा गया है 15 तारीख को, मैं उसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। और उसके अंदर जो हमने कार्रवाई की, वो सारे डॉक्यूमेंट हम एक एक आदमी को पहुँचाने का काम करेंगे। और साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब हमने 28/9/13 को ये ओजोन से हम एफ जोन में चले गए थे, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी आई शीला जी खड्डा कॉलोनी में, उसके बाद से क्षेत्र के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, सब ने अपने मकान बनाए। पुलिस किसी को रोकने के लिए नहीं आई, कोई डिपार्टमेंट आपको रोकने नहीं आया। उसके बाद हमारे जो बाहर से आके यहाँ क्षेत्र के लोगों को लूट रहा है रेडियो झूठिस्तान, इसको तकलीफ होगी कि ये तो राम सिंह की जय जयकार हो गई। इसने अपने साथी मनोज मिश्रा के माध्यम से पैसे इसने खर्च करे, जबकि मनोज मिश्रा का कोई संबंध ना कोई लड़ाई हमारी है। और जानबूझकर इसने NGT में स्टे लगा दिया, जो 28/10/2013 को स्टे हो गया। स्टे के बाद इसने पुलिस कमिश्नर को मिला और इसने हमारे क्षेत्र के सारे मकानों का काम रुकवाने का काम किया। मैं साथियों आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने स्वार्थ के लिए जिसने ओजोन लगवाया है, क्या वो खुलवाने की कोशिश करेगा? ये एक बड़ा सोचने की विषय है। आज ये बात कर रहा है कि मैं विजेंद्र गुप्ता को लेके गया, फलाने को गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक तरफ आप कहते हो NGT से हट गया स्टे, तो फिर आपने कार्रवाई क्या करी सरकार आपकी? आप जो अभी क्षेत्र की जनता को 5 नवंबर को आपने जो लड्डू और ढोल बजवा दिए कि ओजोन से हम बाहर निकल गए, वो क्या धोखा था आपका? मैं जानना चाहता हूँ, धोखे के बारे में बताएं। आप ये समझते हैं कि क्षेत्र की जनता कुछ नहीं जानती? आपको सब लोग जान गए हैं अब। और इस जो भी कागजात हैं, वो हम 15 तारीख को सब भाइयों को RW को सबमिट करेंगे। और मैं इस दावे के साथ कि कुछ भी हो जाए, हम ओजोन को ख़त्म करा के दम लेंगे। और राम सिंह जो कहता वो करके दिखाता, पहले ओजोन मैंने हटवाया। और मैं क्षेत्र के भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, इस बार भी राम सिंह 3 महीने के अंदर इस ओजोन को हटवाने का काम करेगा, या मुझे वहाँ जेल जाना पड़े या लड़ना पड़े, मैं DDO ऑफिस से तब आऊँगा, तब इस ओजोन को ख़त्म करवा कर आऊँगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबर NDTV, रिश्ता हर खबर से।